बाड़ी का काम हो रहा है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और प्यार, और सभी छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं बबीता स्वागत करती हूँ आपका एक नए दिन में, नई ब्लॉग में। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और आज ब्लॉग की स्टार्टिंग मॉर्निंग से ही हो रही है। चलिए पहले मौसम देख लेते हैं। तो आज हो रही है आसमान में चमचमाती धूप, और इसी धूप में बैठ के मम्मी बना रहे हैं मॉर्निंग का नाश्ता। दिखाती हूँ आज मम्मी मॉर्निंग में क्या बना रहे हैं। तो ये देखिए आज मम्मी बना रहे हैं पकौड़ियाँ मॉर्निंग के नाश्ते में। मूली की पत्ती, आलू, मूली की पत्ती और आलू की पकौड़ी बना रहे हैं मम्मी। थोड़े बन गए हैं, थोड़े पक रहे हैं और कुछ बनानी ही है। खाओ मजे से पेट भर के। तो ये रहा मेरा नाश्ता, चाय, पकौड़ी, आलू के गुटके और रोटी। नाश्ता करते हैं। तो भी हमारा नाश्ता भी हो गया है और मम्मी ने भी बना दिए हैं सारी पकौड़ियाँ। और वैसे तो मैं स्कूल नहीं लेके जाती हूँ, लेकिन स्कूल में चाय मिलती है तो चाय के साथ खाने के लिए पकौड़ियाँ लेके जा रही हूँ आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही हैं। तो अब स्कूल जाने की तैयारी। हेलो, कैसे हैं आप सभी? हम लोगों ने तो नाश्ता कर लिया है और अब पापा को नाश्ता देके आते हैं। तो ये देखिए आज भी हो गया मौसम खराब और मम्मी यहाँ पर कर रहे हैं सरसों राई का काम, जो हमने कट्ठों में डाला हुआ था उसके दाने निकाल दिए हैं। देखिए देखिए राई सरसों के दाने। और ये वाला देंगे गाय के लिए, जहाँ से हमने दूध लगाया है उनको देंगे ये। देखिए मम्मी कितना काम कर रहे हैं, मम्मी का खेती बाड़ी का काम हो रहा है। खेती बाड़ी इतनी होती है हमारी, ये इतना सारा काम करना होता है हमने, होता ही है फिर थोड़ा थोड़ा अपने खाने के लिए भी। तो अब इसको ऐसे साफ करेंगे ताकि दाने अलग हो जाएं और बाहर के छिकल अलग। अरे आती नहीं चाय। आ पापा की उंगली में क्या हुआ? उंगली में क्या हुआ पापा की? खाली वहाँ पर हाथ लगाने गए वो। हेलो, गुड इवनिंग, आप लोग ठीक होंगे शायद, आज की दिनचर्या भी आपकी ठीक ही हुई होगी और आप बबीता का वीडियो ये देख रहे होंगे। लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ये था आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, थैंक यू। तो ये देखिए आज भी मौसम कल की तरह हो गया है, रोज ऐसा ही है, रोज आजकल ऐसा ही हो रहा है मौसम।
तो अभी बज गए हैं शाम के 5:30। उस टाइम पे 4 बजे के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा मौसम ख़राब हो रहा था और अभी आ रही है धूप। अभी हल्की हल्की धूप हो रही है। तो ये रहा हमारा घर और हम जाते हैं घूमने इधर साइड को जहाँ मंदिर है, और एक रोड यहीं पर से इधर को जाती है जो बुआ के घर को जाती है। हम ये कह रहे हैं घूमने जाते हैं, चले। तो मम्मी कह रहे हैं घूमने जाते हैं घर के पीछे साइड को। तो पापा पता नहीं यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं और मम्मी कह रहे हैं आज हम इधर नहीं जाते हैं, इधर को नहीं जाते कह रहे हैं आज मंदिर की साइड। आज हम जाते हैं कह रहे हैं बुआ के घर की साइड। इधर है बुआ का घर और ये रहा मुर्गी फार्म सामने, और ये है फील्ड। पापा आगे दुकान में और अब हम चलते हैं घूमने के लिए बुआ के घर से होते हुए। कहाँ पहुँचते हैं आज, मम्मी के पीछे पीछे चलते हैं आज घूमने के लिए। तो हम लोग पहाड़ी बाखली में पहुँच चुके हैं। हेलो गाइस, कम लो अभी तो आते नहीं हमारे घर, हमने सोचा हम ही आ जाएं। हेलो, ये मेरी बुआ देखो। अच्छा, खेती बाड़ी हो रही है बुआ की। कल धनिया की खेती, आज सरसों की खेती। और पहले बुआ के जौ दिखा देते हैं, ये देखिए खेती बाड़ी पहले बहुत होती थी, अब कहाँ, अब तो कुछ भी नहीं है। ये आमा आए हैं बुआ के घर पे। बुआ के क्या हुए? अच्छा, तो ये आ गए हैं गुड्डी आंटी। गुड्डी आंटी के बुआ हैं ये अम्मा। तो अब हम चलते हैं यहाँ से। तो अब बुआ के घर से जा रहे हैं हम आज नीचे वाले घर में। यहाँ पर दीपादी और नेहू खड़े हैं। नेहू आज स्कूल में एडमिशन हो गया? हेलो दी, ये नेहू का भी हमारे स्कूल में एडमिशन हुआ है। नेहू कौन सी क्लास में, नेहू कौन सी क्लास में हुआ एडमिशन बता दो तो। ने ये कौन आ रहा है, यशु? हेलो बोल। हेलो गाइस, कहाँ से आ रहे हो? कितने दिन हो गए हैं? एक महीना हो गया। अब स्कूल कल से? कौन से स्कूल में? हमारे स्कूल में। कौन सी क्लास? यस्सु और नेहू का भी एडमिशन हो गया हमारे स्कूल में। हेलो आंटी, ये है गीता आंटी का घर। ये देखिए कितना अच्छा 100 पीस है यहाँ पर। अरे देखिए आम का पेड़ भी है, ये देखिए आम का पेड़, आम के फल लगाए है। यहाँ पर आकर मेरे को मिल गई है मिठाई, पार्वती भाभी ने दी। तो ये देखिए अब मम्मी भी करने लगे हैं बुआ की हेल्प और मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पर। मेरा नहीं हुआ कोई काम काज, हम दिन लग रहे हैं बुआ लगा बजे बह रहे उल्ले फोन पकड़ कर। <laughs>
पहाड़ों में ऐसे काम होते हैं, हंसते खेलते। मैंने बना दिया है एक मुट्ठा। तो ये देखिए, इसमें भर दिए हैं एक डोका जो ये होते हैं जौ के पौधे। इसको काट के फिर इसका दाला बनाते हैं, दो बनाते हैं इसका गाय भैंसों के लिए। और ये है, ये भी भैंस खाते हैं। सारे जौ काटने के बाद यहाँ पर अब हम जाते हैं यहाँ से घर को। बाय बाय अब आना बैठे बोल जलाना अमा बाय कल मिलेंगे हां। तो अभी बज गए हैं रात के 9:30 और हमारा रात का खाना भी हो चुका है। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डे में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।